मुजफ्फरनगर में कप्तान अभिषेक यादव का लगातार चाबुक चल रहा है। बदमाशों को लगाम लगाने को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस एक नए अंदाज में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र के सिसोना रोड पर पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने अंतर्राज्यीय पशु चोर आशु को भैंस पशुओं की गाड़ी चोरी करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने आशु के पास से बुलेरो, दो भैंस व एक लवारा, एक अवैध तमंचा, कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश फरार हो गया। मौके पर सीओ सिटी कुलदीप सिंह, नई मंडी थाना प्रभारी सुशील सैनी व भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। ये मंडी पुलिस को आज एक गिरोह की सूचना मिली थी कि एक पशु तस्कर का गिरोह है, वो चोरी के जो पशु हैं उनकी तस्करी के लिए उन्हें ले जा रहे हैं। तो मंडी पुलिस ने इसी सूचना पर जो है चेकिंग का जो अभियान चलाया, तो उसमें एक पिकअप गाड़ी जिसमें कुछ पशु भरे हुए थे, जैसे उसको रोकने का प्रयास किया तो पुलिस के ऊपर उन लोगों ने फायर किया, जिसमें जब पुलिस ने उनको घेरा रजभाई की पटरी पर, जब वो भागे तो जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसका नाम आशु उर्फ आस मोहम्मद है, जो कि बघरा का मूल रूप से रहने वाला है और जिस पर करीबन 30 से 35 मुकदमे दर्ज हैं और ये 7 मुकदमों में जनपद मुजफ्फरनगर से वांछित है और अन्य राज्यों से भी ये कंटिन्यू वांछित चल रहा है। सर क्या क्या बरामद है? इसके पास से गाड़ी है, पिकअप गाड़ी है, उसमें कुछ पशु भरे हुए हैं और एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, ये सब बरामद हुए हैं और इसके साथ जो उसका अन्य दूसरा साथी था वो फरार हो गया।